तो दोस्तों हमारा अगला टॉपिक है अकोमोडेशन इन बेल्जियम। तो बेल्जियम के जो लीडर्स थे उन्होंने एक कम्प्लीटली डिफरेंट बात वहाँ पर लिया। हम जानते हैं कि जो श्रीलंका है वहाँ पर जो सिन्हाला कम्युनिटी है वो मेजॉरिटी में है, पर एज बेल्जियम में दिखाया जाए तो जो डच कम्युनिटी है वो मेजॉरिटी में। तो यहाँ पर भी मेजॉरिटी का विल इस्टेब्लिश हो सकता था, इम्पोज करवाया जा सकता था माइनॉरिटी कम्युनिटी के ऊपर, लेकिन यहाँ पर बेल्जियम के लीडर्स ने वैसा नहीं किया। उन्होंने कम्प्लीटली डिफरेंट बात लिया। वो उन्होंने रिकॉग्नाइज किया द एग्जिस्टेंस ऑफ रिलीजियस डाइवर्सिटीज़ एंड कल्चरल डिफरेंसेस, वहाँ पर उन्होंने रिकॉग्नाइज किया। और इसी वजह से उन्होंने 1970 और 1993 के बीच में अपने कॉन्स्टिट्यूशन को चार बार अमेंड किया ताकि एक ऐसा अरेंजमेंट बनाया जा सके जो सारे जितने भी वहाँ पे कम्युनिटी के लोग बिलोंग करते हैं वो सबको एक ही कंट्री में अच्छे से एडजस्ट कर सके। तो जो मॉडल्स उन्होंने बनाए थे वो सबसे ज़्यादा यूनिक है डेमोक्रेसी में, और परहैप्स सबसे ज़्यादा न्यू एक्सपेरिमेंट उन्होंने किए थे। और जो एक्सपेरिमेंट उन्होंने किए थे, उन जो मॉडल्स उन्होंने बनाए थे उसके कुछ फॉर्म्स, कुछ मॉडल्स यहाँ पर हैं। तो दोस्तों ये है बेल्जियम का कुछ मॉडल। बेल्जियम का कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि जो नंबर ऑफ़ फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर हैं और जो डच स्पीकिंग मिनिस्टर हैं वो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वहाँ पर इक्वल रहेगा, यानी कि जितने फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स रहेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट में उतने ही डच स्पीकिंग मिनिस्टर्स भी रहेंगे। और जो भी इंपॉर्टेंट लॉज जो बनना है वो दोनों ही लैंग्वेज वाले ग्रुप के लीडर्स की मेजोरिटी से पास होना चाहिए वो लॉ। मान लीजिए कोई भी बिल है जैसे कि वुमेन रिजर्वेशन का बिल, तो ये दोनों ही लैंग्वेज के जो जितने भी लीडर्स हैं उनके मेजोरिटी से ये पास होना चाहिए किसी भी स्पेशल लॉ बनने के लिए। उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट के बहुत सारे पावर जो होते हैं वो स्टेट गवर्नमेंट को दे दिए गए हैं, और वहाँ पर एक दो मतलब हर एक स्टेट के दो मतलब दोनों कम्युनिटी के एक एक स्टेट गवर्नमेंट है। आप ऐसे कह सकते हैं जैसे कि मान लीजिए हमारे यहाँ झारखंड है तो झारखंड का एक ही स्टेट रहता है, पर वहाँ पर झारखंड माल बेल्जियम वैसे तो बहुत छोटा है लेकिन वहाँ पर अगर कुछ स्टेट होंगे तो वहाँ पर दोनों कम्युनिटी के सेपरेट गवर्नमेंट होंगे। उसके बाद ब्रुसेल्स का एक सेपरेट, और एक और बात दोस्तों, जो स्टेट गवर्नमेंट है वहाँ पर वो सबऑर्डिनेट नहीं है सेंट्रल गवर्नमेंट का, मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट अपना विल को स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर इम्पोज नहीं कर सकता है। सेंट्रल जैसे कि हमारे यहाँ जितने भी डेमोक्रेसी में लगभग ये होता है, इसको फेडरलिज्म बोलते हैं, जिसके बारे में हम लोग आगे के चैप्टर में चर्चा करेंगे। इंडिया में भी ये होता है कि स्टेट गवर्नमेंट अपने फ्री होकर के डिसीजन ले सकता है, सेंटर उसको कुछ भी चीज़ के लिए फोर्स नहीं कर सकता है करने के लिए। इसको हम लोग फेडरलिज्म बोलते हैं, जो कि आगे के चैप्टर में पढ़ना है, और बेल्जियम में ये हुआ है। उसके बाद ब्रुसेल्स का एक सेपरेट गवर्नमेंट था जिसमें कि दोनों ही कम्युनिटी के पास इक्वल रिप्रेजेंटेशन है, और ये एक बहुत ही नया तरीका का कुछ चीज़ लगा दिया गया। अब उसके बाद ये सभी चीज़ों से हट करके वहाँ पर एक तीसरे तरह का गवर्नमेंट भी था, ये जो था हर एक कम्युनिटी के लिए एक एक बना के दिया गया था, इसमें कि जितने भी लैंग्वेज रिलेटेड इशूज़ हैं, जितने भी कल्चर रिलेटेड इशूज़ हैं, या जितने भी मैरिज रिलेटेड इशूज़ हैं जो कि कम्युनिटी के इशूज़ हैं, उनको दिया गया कि हर एक अपने लैंग्वेज का जो गवर्नमेंट है वो हैंडल कर लेगा बेटर। तो ये सारे मॉडल्स वहाँ पर बनाए गए थे। ये मॉडल्स डेमोक्रेसी में देखा जाए तो बहुत ही ज़्यादा न्यू है और बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी है, इनफैक्ट वहाँ के बेल्जियम के लोगों के लिए भी बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। बट अभी तक से ये जितने भी मॉडल्स हैं इन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है। आप श्रीलंका के एग्जांपल से ही देख लो, जहाँ पर कि लोगों को सिविल वॉर लड़ना पड़ा था क्योंकि ये ऐसे कुछ अरेंजमेंट वहाँ पर नहीं करवाए गए थे, पर बेल्जियम में ये सारे अरेंजमेंट होने की वजह से यहाँ पर सिविल वॉर अवॉइड हो सका, और बल्कि अब बेल्जियम के लोग बहुत ही ज़्यादा मिलजुल के यूनिटी से रहते हैं। तो दोस्तों ये सभी चीज़ें मॉडल जो है ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि एग्ज़ाम में आता भी है। तो जब यूरोप के बहुत सारे कंट्रीज एक साथ आकर के यूरोपियन यूनियन बनाना चाहते थे तो उन्होंने ब्रुसेल्स को अपना हेडक्वार्टर चुना। अच्छा ठीक है, तो आप लोग ने अभी दोनों स्टोरी पढ़ चुकी है, एक है बेल्जियम का और दूसरा श्रीलंका का। दोनों में जो मेज़र डिफरेंस है क्या आपको पता चला? जो एक मेज़र डिफरेंस जो दोनों ही स्टोरी में से है वो ये है कि श्रीलंका में पावर का शेयरिंग नहीं हुआ, वेरस बेल्जियम में पावर को शेयर किया गया। अच्छा एक सिंपल सा इक्वेशन है, जब अंग्रेज इंडिया में रूल करने आए थे तो वो इंडियन पावर्स को डिवाइड करते थे, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी थी उनकी, यानी कि डिवाइड करने से कमज़ोर करते थे वो लोग को। तो ऐसा नहीं क्या कि हम पावर किसी भी पॉलिटिकल ऑर्डर का डिवाइड कर रहे हैं तो क्या हम उसको कमज़ोर कर रहे हैं? देखो दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अगर पावर को डिवाइड किया जा रहा है तो वहीं दूसरी ओर पावर को डिस्ट्रीब्यूट भी किया जा रहा है।
मतलब कि एक जगह से पावर को डिवाइड करके उसको इक्वल जगह पर पार्ट दिया जा रहा है। सो इसी वजह से कमज़ोरी किसी भी हाल में नहीं हो रही। नाउ द नेक्स्ट केस इज, अब ये जो आपका एग्जांपल है बेल्जियम वाला, ये आप कुछ बेसिक क्वेश्चन का आंसर देता है। सबसे पहला तो पावर शेयरिंग कैसे करते हैं, और दूसरा बात पावर शेयरिंग क्यों करते हैं। दोनों एग्जांपल से ये साफ होता है। ऑल दो एग्ज़ाम में, बोर्ड एग्ज़ाम में या कोई भी एग्ज़ाम में, आपको पहले एग्जाम्पल नहीं देना है, पहले अपना एक लाइन देना है और उस मतलब अपना पॉइंट रखना है पहले, और उस पॉइंट को सेटिस्फाई करने के लिए आपके पास ये दोनों कॉन्ट्राडिक्टिंग एग्जाम्पल्स रहेंगे एग्ज़ाम में। तो अब हम आते हैं अपने अगले टॉपिक में। अच्छा तो दोस्तों, अब हम आ गए चैप्टर के मेन पार्ट में, वाई पावर शेयरिंग इज़ डिज़ायरेबल। तो आप लोगों को मेरे दो एग्जाम्पल्स याद होंगे। सबसे पहले तो बेंच शेयरिंग वाला, जिसमें कि हम लोग जब चौक से एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो हम पावर को डिवाइड कर देते हैं, हम बेंच को शेयर करते हैं, तो वहाँ पर लड़ाई झगड़ा के चांसेस कम हो जाते हैं, और ख़ास तौर पर जब घरों का बंटवारा हो जाता है लड़कों के बीच में, तो वहाँ पर भी लड़ाई के चांसेस काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं। तो डेमोक्रेसी में भी यही है, पावर शेयरिंग का मेन रीज़न ही यही है। और जैसे कि मान लीजिए देश में कोई भी सोशल ग्रुप्स हैं, जैसे कि हिंदूज़ और मुस्लिम हमारी कंट्रीज़ में हैं, तो मान लीजिए गवर्नमेंट किसी भी चीज़ को, किसी भी एक कम्युनिटी को ज़्यादा फेवर करती है, तो दूसरे कम्युनिटी में मतलब उन कम्युनिटी के बीच में कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो जाती है, और इतनी कॉन्फ्लिक्ट की वजह से देश में दंगे फसाद होते हैं, है ना। राम मंदिर एक इसका बहुत ही बड़ा इशू है। सो दंगे फसाद होने की वजह से देश में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो जाती है। सो दोस्तों, पावर शेयरिंग एक बहुत ही अच्छा मेथड है टू इंश्योर स्टेबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल ऑर्डर्स। फर्स्टली, पावर शेयरिंग इज़ गुड बिकॉज इट हेल्प्स टू रिड्यूस द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप्स। पावर सिंस सोशल कॉन्फ्लिक्स ऑफन लीड्स टू वायलेंस एंड पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, देयरफॉर पावर शेयरिंग इज़ गुड वे टू इंश्योर द स्टेबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल ऑर्डर। ये जो एक पैराग्राफ है दोस्तों आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में दिया हुआ, ये एकदम सबसे सटीक आंसर है, और ये एक सटीक रीज़न भी है, क्योंकि पावर शेयरिंग से हम लोग जो है वॉयलेंस को रिड्यूस कर देते हैं, यानी कि एक बेटर आउटकम हम लोग को मिलता है पावर शेयरिंग के वजह से। ये इसका सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न है, और इस रीज़न को हम लोग बोलते हैं प्रूडेंशियल रीज़न। दोस्तों, प्रूडेंशियल का मतलब होता है वो चीज़ें जो कि बेस्ड होती हैं केयरफुल कैलकुलेशंस पर और ऑब्जर्वेशंस पर। तो दोस्तों, दूसरा जो रीज़न है इसे मोरल रीज़न कहते हैं। मोरल रीज़न में कहना का ये कहना है कि डेमोक्रेसी में यही तो होता है, मतलब पावर शेयरिंग जो है वो डेमोक्रेसी की स्पिरिट है। सिंपल सी बात है, किसी भी डेमोक्रेसी में पावर को शेयर किया जाता है उन लोगों के बीच में जो कि पावर शेयरिंग मतलब जो पावर शेयर करते हैं, और दूसरे उन लोगों के साथ जो पावर शेयरिंग को एक्सेप्ट करते हैं। सो एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट वो होती है जहाँ पर पीपल पार्टिसिपेशन के थ्रू गवर्नमेंट में एक पोजीशन एक्वायर करते हैं। लेजिटिमेट गवर्नमेंट मतलब एक वेल फंक्शनिंग गवर्नमेंट। तो ये जो दो रीजंस हैं ये पावर शेयरिंग के फेवर में दिए गए हैं। तो पहले सेट वाले रीज़न को प्रूडेंशियल कहा जाता है, जिस और दूसरे वाले को मोरल कहा जाता है। तो जब प्रूडेंशियल रीज़न का ये कहना है कि डेमोक्रेसी आपको एक बेटर आउटकम ला करके देगा, वेयर एज मोरल रीज़न डेमोक्रेसी के पूरे स्पिरिट पर जोर देता है, और ये कहता है कि पावर शेयरिंग ज़्यादा वैल्यूएबल है। मतलब कि इसका ये कहना है कि पावर शेयरिंग जो है वो ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है, बाकी सारे ऑप्शन में से पावर शेयरिंग बढ़िया ऑप्शन है, और वहीं प्रूडेंशियल रीज़न का कहना है कि पावर शेयरिंग एक बढ़िया आउटकम देगा। तो यार, चैप्टर के बीच में एनसीईआरटी ने एक बहुत ही ज़्यादा अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हुए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक उसे लेके दिया है, जो कि पूरे चैप्टर को आपको समअप करके दे रहा है। तो इस टॉपिक का नाम है खलील्स डायलेमा का मतलब तो आप सभी जानते हो, कंफ्यूजन। तो ये जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टोरी है, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ, आप जल्दी से एक कंक्लूजन ड्रॉ करना। तो देखो, एक सिटी थी बेरेट नाम से, जो कि लेबनान में एक सिटी है, और वहाँ पर एक आदमी रहता है खलील नाम का। उसके पेरेंट जो थे वो दो डिफरेंट कम्युनिटी से बिलोंग करते थे। उसका फादर जो था वो ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन था, और उसकी मम्मी सुन्नी मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करती थी। ये इस कॉस्मोपॉलिटन सिटी में बहुत ही ज़्यादा कॉमन था, मतलब डिफरेंट कम्युनिटीज़ के मदर फादर होना वहाँ पर कॉमन था। तो इस जितने भी कम्युनिटी के लोग थे वो लेबनान में बहुत ही ज़्यादा मिलजुल के रहते थे।
लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि जो लेबनान के जितने भी लोग थे वो कैपिटल सिटी बेरट में मूव कर गए, और वहाँ पर लोग बहुत ही ज़्यादा एक दूसरे में मिंगल रहने लगे, और एक सिविल वॉर लोगों को लड़ना पड़ा जिसमें खलील के एक अंकल मारे गए थे। इस सिविल वॉर के बाद लेबनान के जो लीडर्स थे वो लोग एक साथ आए और कंट्री के लिए कुछ बेसिक रूल बना दिया गया। इस रूल के हिसाब से कंट्री का जो प्रेसिडेंट है वो कैथोलिक क्रिश्चियन कम्युनिटी का होना चाहिए, जो प्राइम मिनिस्टर है वो ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन कम्युनिटी का होना चाहिए, और वेयर एज जो स्पीकर है वो सिया मुस्लिम होना चाहिए, और जो प्राइम मिनिस्टर का पोस्ट है उसको सुन्नी मुस्लिम के लिए किया गया। सो इस पैक के अंदर क्रिश्चियंस ने फ्रेंच प्रोटेक्शन को बचाए रखा, और वेयर एज मुस्लिम ने ये यूनिफिकेशन अपना जो था नेबरिंग स्टेट सीरिया का उसके साथ यूनिफिकेशन को नामंजूरी दी। तो जब क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स इस एग्रीमेंट के लिए आए थे तब वो लोग नंबर में बहुत इक्वल थे, लेकिन अब मुस्लिम्स वहाँ पर क्लियर मेजोरिटी में। अब खलील को ये सिस्टम ज़रा सा भी पसंद नहीं है। उसके पीछे का रीज़न है कि इस करंट सिस्टम में जो टॉप पोजीशंस है वो उसके रीच में नहीं। इसकी वजह क्या है दोस्तों? देखो सिंपल सी बात है, जो कंट्री का जो प्रेसिडेंट है वो कैथोलिक क्रिश्चियन कम्युनिटी का होना चाहिए, और वेयर प्राइम मिनिस्टर जो है वो सुन्नी मुस्लिम होना चाहिए। अब इसको बनना है प्रेसिडेंट, और जब ये प्रेसिडेंट होता है कोई कैथोलिक क्रिश्चियन ग्रुप से, इसके फादर थे ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन और मम्मी थी सुन्नी मुस्लिम, इसी वजह से टॉप मोस्ट पोस्ट प्रेसिडेंट का इसके रीच के बाहर है। इसी वजह से ही अपने अंकल या अपने बड़े भाइयों से पूछता है यार कि लेबनान बाकी कंट्रीज़ की तरह क्यों नहीं हो सकता कि सिंपल यहाँ पर इलेक्शन कंटेस्ट करवाओ और जो भी जीतता है उसको बना दो प्रेसिडेंट। पर जो इसके भाई बहन थे जिन्होंने देखा है सिविल वॉर, उनका कहना था कि ये जो है सबसे बढ़िया वे है टू इंश्योर स्टेबिलिटी। अब चैप्टर के एंड में आपसे पूछा गया कि दोस्तों अगर आप वहाँ आपको वहाँ का रूल वापस से लिखने दिया जाता तो आप क्या करते, या उसके रूल को रीराइट करते बाकी सारे कंट्री की तरह बना देते, या फिर सेम सिस्टम को चलने देते, या फिर कुछ और कुछ से चेंजेस करते? तो जो भी हो आपका जवाब कमेंट करके ज़रूर लिखना नीचे, और मैं कमेंट में आपको इसका जवाब दे दूंगा अगर आपको कंक्लूड करने में ज़्यादा दिक्कत होती है। तो दोस्तों अब हम देखेंगे कि हमारे इस मॉडल वर्ल्ड में किस किस तरह के पावर शेयरिंग होते हैं। तो सबसे पहले पावर शेयरिंग का आइडिया जो है ये आया था अनडिवाइडेड पॉलिटिकल पावर के अगेंस्ट। एक लंबे समय तक ये सोचा जाता था कि पावर्स जितने भी हैं उनको एक आदमी या ग्रुप ऑफ पीपल के हाथ में दे देना चाहिए, और पावर को डिवाइड नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर पावर को डिवाइड किया जाएगा तो जितने भी क्विक डिसीजंस हैं उनको लेना और उनको इन्फोर्स करना जल्दी पॉसिबल नहीं हो पाएगा। लेकिन धीरे धीरे डेमोक्रेसी के आने पर लोगों का ये जो विचारधारा था, जो ये नोशन था, वो धीरे धीरे चेंज होने लगा। और डेमोक्रेसी में जो एक मेजर चीज़ होता है वो यही होता है कि पावर को डिवाइड किया जाता है डिफरेंट पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस के बीच में। और डेमोक्रेसी का एक बेसिक प्रिंसिपल है कि पीपल जो है वो सारे पॉलिटिकल पावर्स का सोर्स होते हैं, और एक डेमोक्रेसी में पीपल अपने आप को रूल करते हैं बाय द इंस्टीट्यूशन ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट, और एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट में ड्यू रिस्पेक्ट दिया जाता है गवर्नमेंट का हर एक व्यू को जो कि सोसाइटी में एग्जिस्ट करता है। तो हम लोग देखे हैं कि मॉडर्न डेमोक्रेसी में कितने कितने किस किस तरह के पावर कैसे पावर शेयर किए जाते हैं।